Good morning, बच्चों. आज भारत का लक्ष्य कक्षा छह के अंदर संख्याओं से खेलना 3.2 में प्रारंभ करने जा रहा हूँ. पहला प्रश्न है, बताइए कि इन दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है. नंबर एक, विषम संख्याएं को देखिए अपन. नंबर एक, विषम दो संख्याओं का योग सम संख्या होगा. जैसे ध्यान देंगे अपन, जैसे 1 + 3 एक भी विषम है और 3 भी विषम है. इसको जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या जाएगा, 4 क्या है, सम संख्या है. या हमें 3 + 5 = ये 3 क्या है, विषम है, 5 भी विषम. इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 8. इसी प्रकार से अपन चले 7 + 9 = 16. 7 विषम है, 9 भी विषम है, ये इनका योग कितना आ गया, 16. अब देखेंगे बी का आंसर. सम संख्याओं यानी कि दो सम संख्याओं का योग भी सम संख्या भी होगा, चाहे विषम हो चाहे सम हो. दो संख्याएं हम कहीं योग कर रहे हैं तो सम ही आएगा. जैसे पहली विषम संख्या 2 + 4 योग पर कितना आया था, 6. या अपन ले 4 + 6 योग पर कितना जाएगा, 10. यदि अपन लेते हैं 6 + 8 इसका योग पर कितना गया, 14. तो इस प्रकार से ध्यान रखिए बच्चों कि कभी भी यदि दो विषम संख्या है तो उनका योग पर सदैव सम संख्या होगा, और यदि दो संख्याएं सम है तो उनका योग पर भी सदैव सम ही होगा. देखिए उतार दीजिए. हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है. पहला, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है. देखिए आप यहाँ पर 1 + 3 + 5 तो 5 + 3 कितने हो गए, 8 है, कितना हो गया, 9. 9 क्या है, विषम संख्या है. क्या है, विषम है, इसलिए यहाँ अंतर आएगा असत्य. क्या आएगा, असत्य. दो विषम संख्याओं को एक सम संख्या का योग सम होता है. देखेंगे दो विषम संख्याएं होंगी आपके पास 1 + 3 और एक विषम संख्या हो, तो दो विषम संख्याओं का योग और एक सम संख्या का योग सम होता है 3 + 5 = 6 यानी कि क्या, सत्य. 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होगा. देखेंगे 1 × 3 × 5 पाँच किया 15 का, परंतु देखेंगे इसको एक और उदाहरण देंगे. पर उसमें 3 × 5 × 7 = 35 किया 105 सत्य कर. यदि किसी संख्या सम संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भाग का सदैव विषम संख्या होगी. जैसे देखिए 4 में 2 का भाग देंगे तो ये क्या हो गया, परंतु यदि अपन 2 के अंदर 2 का ही भाग देते हैं 1 आता है, ये विषम आएगा, तो ये असत्य ही कहलाएगा. ठीक है बेटा, एक अपवाद करो, सभी अपवाद की संख्याएं विषम होती है, नहीं. असत्य यानी कहेंगे क्योंकि 2 1 सम अभाज्य संख्या है. अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, असत्य.
एक सभी का गुणनखंड होता। देखिए बच्चों किताब आ गया, इसके बाद से अभी और पढ़ाता हूं। देखिए बच्चों जी, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। देखेंगे अपन इधर, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। जैसे 3 + 5 8 हो गया, बिल्कुल सही है। और 1 + 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 + 7 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा सत्य है। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है सत्य। सभी सम संख्याओं भाज्य होती है नहीं है सत्य। तो एक अभाज्य संख्या है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। ध्यान देंगे आप इधर, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। जैसे 2 × 4 8 हो गया, 6 × 8 48। हाँ सत्य, क्या है सत्य। बताओ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।